करीब 2000 साल पहले कुदरत ने आसमान से दुर्लभ खजाने की बरसात की थी और अब एक खेत से वो दुर्लभ खजाना एक वैज्ञानिक ने खोज निकाला है। एक पुरातत्वविद ने उत्तर पूर्वी जर्मनी में स्थित ब्रैंडेनबर्ग में ये खजाना एक खेत से खोज लिया है और वैज्ञानिकों ने इसे काफी दुर्लभ खजाना करार दिया है। फ्रीलांस काम करने वाले एक पुरातत्वविद ने जर्मनी के ब्रैंडेनबर्ग में सेल्टिक सिक्कों का भंडार खोजा है जिसकी कीमत काफी ज्यादा होने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक पुरातत्वविद ने एक खेत से 41 दुर्लभ सेल्टिक सिक्कों की खोज की है और अब रिसर्च में पता चला है कि करीब 2000 साल पहले इन सिक्कों को ढाला गया होगा और उस वक्त इन सिक्कों की कीमत काफी ज्यादा रही होगी। पुरातत्वविदों का कहना है कि जर्मनी के ब्रैंडेनबर्ग में पहली बार सेल्टिक सोने का खजाना मिला है और ब्रैंडेनबर्ग के संस्कृत मंत्री मांदा सूले ने इसकी पुष्टि भी की है। इन सिक्कों को बेहद अलग अंदाज में ढाला गया है। गोथा फाउंडेशन कैबिनेट में मुद्राओं पर रिसर्च करते हैं, उन्होंने इन सिक्कों का अध्ययन करने के बाद इसे काफी दुर्लभ बताया है। उन्होंने इन सिक्कों को लेकर प्राचीन जर्मनी कहानी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इसका नाम और इसका आकार जर्मनी की एक प्रसिद्ध कहानी से जुड़ा हुआ है। मार्जन को पालिका ने कहा कि इसके आकार को लेकर कहानी के मुताबिक इंद्रधनुष के अंत में सोने का एक बर्तन लगा होता है और ऐसा माना जाता है कि इंद्रधनुष कप वहां पाए जाते हैं जहां आसमान से इंद्रधनुष धरती को छूते हैं। उन्होंने कहा कि कहानी का एक दूसरा हिस्सा यह भी है, इंद्रधनुष कप सीधे आसमान से धरती पर उतरते हैं। मार्जन को पालिक ने लाइव साइंस को बताया कि इन सिक्कों को भाग्यशाली, आकर्षक और इलाज में इस्तेमाल करने वाली वस्तु भी माना जाता है। उन्होंने कहा कि जर्मनी में ऐसा मानना है कि आसमान से इन सिक्कों की बारिश होती है और बारिश होने के बाद अक्सर किसानों को खेत में ये सिक्के मिलते रहते हैं जो पूरी तरह से स्वच्छ और चमक से मुक्त होते हैं। जर्मनी में इन सिक्कों की खोज वोल्फगैंग हर्कट ने की है जो ब्रैंडेनबर्ग स्टेट हेरिटेज मैनेजमेंट एक स्वयंसेवक पुरातत्वविद हैं। खेत के मालिक से इजाजत मिलने के बाद वो खेत में रिसर्च कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने खेत से 10 सेल्टिक सोने के सिक्के सेल्टिक सोने के 10 सिक्कों को खोजने के बाद हरकट ने BLDAM को खोज की सूचना दी और इसके बाद पुरातत्वविदों की टीम ने खोज की और कुल 41 सिक्कों की खोज की गई। हरकट ने एक बयान में कहा कि यह एक असाधारण खोज है जिसे आप शायद जीवन में केवल एक बार ही कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की खोज के साथ देश के इतिहास के शोध में योगदान करने में सक्षम होना एक अच्छा एहसास रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।